किस बात को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया? आज हमारे समाज ने मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर के दो प्रकरणों के यहाँ ज्ञापन दिया है। एक बीकानेर में शाहरुख के अनुसार जो गैंगरेप हुआ, दरिंदगी हुई उसके खिलाफ, और एक रामदेव जी का भक्त जोधपुर में जोरावर सिंह जो वहाँ भंडारे में काम करता था और मानवता के हित के लिए उसको उसके पीछे गया और उस आदमी ने इसको चाकू से गोद दिया। उस दोनों प्रकरणों में समाज ने यह ज्ञापन दिया है। मांग की है कि जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसा कार्य दोबारा, ऐसा अपराध दूसरी बार न हो, ऐसा एक संदेश जाए। सभी समाज, सर्व समाज मिलकर के इनका विरोध कर रहे हैं और हम भी उसी उपलक्ष्य में विरोध किया है, मिस्टर साहब को ज्ञापन दिया है। मेरा नाम वाचन कछावा, संरक्षक महासभा संस्थान मदनगंज। ये बीकानेर में जो कॉलेज छात्रा थी शालू कंवर, कॉलेज की छात्रा थे, उसको योजनाबद्ध तरीके से कुछ असामाजिक तत्व है, करीब दो तीन समाज के, जिन्होंने उसको अगवा किया है, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ है, उसके बाद जला के उसको पानी में डाला है और उसको उसकी जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसा घिनौना कृत्य किया है, समाज के नहीं बल्कि ये घोर पूरे मानवीय उसके लिए घिनौना कृत्य किया है इन्होंने। ऐसे दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो और कम से कम फांसी की सजा हो, इससे कोई सजा कम नहीं होनी चाहिए और इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज दिन तक तीन ही उनको अरेस्ट किया हुआ है, तो हम चाहते हैं पूरा समाज, रावणा राजसो समाज सारा चाहिए कि उसकी सीबीआई जांच हो और दोषियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। हेल्प किए उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया है, तो उसकी भी अभी तक कोई शांतिपूर्वक प्रशासन ने उसकी भी कोई निष्पक्ष जांच नहीं की है। हम चाहते हैं, अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि इन दोनों ही प्रकरण की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो और जिन्होंने गैंगरेप किया है शालू कंवर का, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आने वाले समय में हम पूरे उग्र आंदोलन किया जाएगा, समाज के साथ साथ सर्व समाज आंदोलन किया जाएगा। करण सिंह, शिवसेना।